पेरिस ओलंपिक में मंगलवार को भारत को दूसरा मेडल मिला। शूटर मनु भाकर और सरब जोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट का ब्रॉन्ज जीत लिया है। दोनों की जोड़ी ने कोरिया की टीम को 16-10 से हराया। मनु भाकर ने दो दिन पहले 28 जुलाई को 10 मीटर वुमेन्स पिस्टल इवेंट में भी ब्रॉन्ज जीता था। इसके साथ ही वो एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ओलंपिक गेम्स की शूटिंग इवेंट में भारत को 12 साल बाद डबल मेडल मिले हैं। इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में मेडल दिलाए थे। मनु ने पहले एक अंग्रेज एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने एक ओलंपिक गेम्स में दो मेडल जीते थे। उन्होंने 1900 के पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर हर्डल्स और 200 मीटर रेस में सिल्वर जीते थे। ये ओलंपिक में भारत का पहला ओलंपिक मेडल था। ये कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा क्योंकि इसे एक अंग्रेज एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था, इसलिए इंग्लैंड भी इस पर दावा करता है। इस मेडल के साथ भारत मेडल टैली में 25वें स्थान पर है, जबकि जापान की टीम नंबर 1 पर है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल जीत लिया। मनु और सरब जोत की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया को 16-10 से हराया। पेरिस गेम्स का पहला मेडल मनु भाकर ने ही दिलाया था। वो एक ही ओलंपिक गेम्स में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है।